हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है मूवी क्यूब से मूवी टिकट कैसे बुक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जो है मूवी देखना है थिएटर हॉल में जाके, तो आप जो है अपने मूवी क्यूब का जो पैसा है उससे आप जो है पैसा पेमेंट करके टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा मूवी क्यूब का जो ऐप है वो ओपन हो चुका है और मेरे पास जो है अभी 530 रुपये और 95 पैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इसी ऐसे समय जो है ऑनलाइन टिकट बुक करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो है मूवी क्यूब का जो ऐप है उसको ओपन करोगे तो आपको कहीं पे भी मूवी टिकट बुक करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपको जो है यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का, बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर का, इस तरीके का सब का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है मूवी का टिकट करने वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जो है अपने मोबाइल पे गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा बुक माई शो करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ इस तरीके से बुक माई शो करके, और यहाँ पे आपको जो है पहले नंबर पे एक वेबसाइट मिल जाएगा बुक माई शो। इसी वेबसाइट से हमको जो है मूवी टिकट बुक करना है ऑनलाइन, और इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे आ जाओगे। तो दोस्तों, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ बुक माई शो पे, और ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको जो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जी दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो लोकेशन जरूर सेलेक्ट कर लेना है। आपके लोकेशन के हिसाब से आपका जो थिएटर हॉल है उसका नाम यहाँ पे बताया जाएगा, और आपके एरिया में जहाँ पे जो है मूवी शो होगा यानी दिखाया जाएगा उस थिएटर का नाम यहाँ पे आपको बताया जाएगा, इसलिए आपको जो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो इस तरीके से लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको सर्च भी कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च करके आपको बताता हूँ, मैं जो है कोरबा एरिया से हूँ, कोरबा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ मेरा जो एरिया है वो बताता है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, कोरबा करके बताया जा रहा है, इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोरबा सेलेक्ट किया हूँ, तो इस तरीके से जो कोरबा का जो डिटेल वगैरह है वो इस तरीके से हमको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मूवी का ऑप्शन, तो मूवी पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से हमको जो है जो जो मूवी यहाँ पे चल रहा होगा, मेरा जो एरिया है वहाँ पे आप देख सकते हो कोरबा एरिया पे, इस तरीके से हमको बता दिया जाएगा। अगर आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आपको जो है यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आते ही वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे देगा, उसको आप क्लिक कर देना, डिटेक्ट माई लोकेशन। इससे क्या होगा, आपका जो मोबाइल का जो लोकेशन है वो ऑन हो जाएगा, और आप जहाँ रहते हो दोस्तों, ठीक है, आप जहाँ पर रहते हो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है मूवी दिखा दिया जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो मूवी भी चले जाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मेरा जो एरिया है, मेरा मोबाइल है, उसका लोकेशन ऑन हो गया है। लोकेशन ऑन होने के बाद इस तरीके से मेरा जो एरिया है वहाँ पे इस तरीके से जो जो मूवी यहाँ पे लगा हुआ है थिएटर हॉल पे उसका नाम बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पे है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे है, और यहाँ पे तेलुगू लैंग्वेज पे है। तो आप जहाँ पे रहते हो उस पे और दूसरा लैंग्वेज चलता होगा तो आपको जो उसी लैंग्वेज का भी मूवी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है मूवी का नाम दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको जो भी मूवी यहाँ पे टिकट बुक करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो है क्या करता हूँ, आपको जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ, कमिंग जून। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे बता दिया जाएगा आने वाले टाइम में कौन कौन सा मूवी यहाँ पे लगने वाला है थिएटर हॉल पे, आप देख सकते हो, ये सब आप देख सकते हो। उसी के नीचे में आपको जो है इस तरीके से दिखाई दे देगा ये कब लगेगा, 29 अप्रैल 2022। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जा रहा है कब कब लगेगा करके, तो आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे बैक कर लेता हूँ दोस्तों, और मैं आपको टिकट बुक करके बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो है ये वाला जो मूवी है हीरोपंती 2, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा रिलीजिंग ऑन 29 अप्रैल 2022। तो दोस्तों, ये जो मूवी है ये जो है कल के डेट में, आज का जो डेट है वो है 28 अप्रैल है, और कल के डेट में ये मूवी जो है रिलीज़ हो रहा है। तो कल ही मेरे को इसको देखना है, तो यहाँ पे मैं इसको जाऊँगा देखने के लिए। तो पहले टिकट बुकिंग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा डिटेल दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है आ जाना है, और नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस तरीके से बुक टिकट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपको जो है डिटेल बता दिया जाएगा। स्टार्टिंग जो डेट है वो जो है 29 तारीख है, तो इस तरीके से मैं 29 तारीख क्लिक कर रहा हूँ, तो 29 तारीख सेलेक्ट कर दिया हूँ, ये आप देख सकते हो। अगर आपको जो है इसके बाद, यानी कि इसे अगर आपको जो है इसके बाद जो है 30 अप्रैल
या 1 मई, 2 मई या फिर 3 मई, इस तरीके से आपको जो है बाद में जो है टिकट बुकिंग करना है, यानी कि आने वाला जो टाइम है उस पर टिकट बुक करना है। तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है जब का डेट का आपको जो है टिकट बुक करना है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं जो है 29 तारीख का जो है टिकट बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 29 तारीख यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो एरिया है आपको इस तरीके से नाम दिखाई दे देगा लास्ट में डबल डॉट करके, तो आपको चेक कर लेना है आपका एरिया सही है कि नहीं। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे इस तरीके से थिएटर हॉल का नाम आपको शो हो रहा है, तो आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बताया जाएगा जहाँ जहाँ आपको जो है ये मूवी देखने के लिए आपको सीट दिया जाएगा, उस थिएटर का नाम आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके का थिएटर नेम बता रहे हैं मेरे में। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो थिएटर हॉल रहेगा उस पर ये मूवी जो चल रहा होगा, ठीक है, थिएटर हॉल जितना भी मूवी चल रहा होगा उसका नाम बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थिएटर हॉल का नाम बता रहे हैं, एक जो है सिनी मूड मल्टीप्लेक्स ये बताया जा रहा है और दूसरा है चित्रा मल्टीप्लेक्स। तो दोस्तों ये वाला जो थिएटर हॉल है इस पर मैं गया हूँ, तो मैं ही वाला जो है टिकट बुक करूँगा, ये वाला जो थिएटर हॉल है उसका। तो आपको भी चेक कर लेना है दोस्तों, आपको जहाँ सही लगे वहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है टाइम पूछा जाएगा, आप जो है कितने टाइम यहाँ पे टिकट बुक करना चाहते हो, कितना टाइम का। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग हो रहा है 12:30 बजे मूवी, ठीक है, और 3:30 बजे ये ख़त्म हो जाएगा और 3:30 बजे फिर से स्टार्ट हो जाएगा मूवी, और 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 9:30 बजे। तो यहाँ पर आपसे टाइम पूछा जाएगा, तो आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 12:30 बजे का जो टाइम है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इस तरीके से आपको बताया जाएगा कंटिन्यू कर देना है, यानी कि ओके कर देना है। और उसके बाद आपको जो इस तरीके से नीचे बताया जाएगा जो क्लासिक का जो प्राइस है वो 100 रुपये है, प्रीमियम का आपको जो है 150 रुपये, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 200 रुपये का दिखाई देगा, और सोफा वाला भी आपको जो है 250 रुपये का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना आपको कितना सीट चाहिए। मैं यहाँ पे 2 सीट बुक करता हूँ, तो ये कर दिया, सेलेक्ट डील पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से सीट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो इस तरीके से आपको जो है जूम आउट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको जो है दिखाई दे देगा, ये देखिए क्लासिक का जो है 100 रुपये है और प्रीमियम का जो है 150 रुपये, और इस तरीके से आपको जो दिखाई दे देगा। अब यहाँ पर ये टिकट, अब यहाँ पे ये थिएटर हॉल है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो चेयर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा। बहुत सारा जो थिएटर हॉल होता है उस पर जो है 3 तरीके का सीट होता है, एक इधर बीच में और इस तरीके से साइड में होता है। तो यहाँ पे 2 तरीके का सीट है, इस साइड और इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप जो है कौन सा टिकट यहाँ पे बुक करना चाहते हो, कौन से नंबर का। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको सही लगे। मैं यहाँ पर ये वाला टिकट बुक करना चाहता हूँ, ये वाला का, और यहाँ पर मेरे को जो है सीट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है 2 सीट यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से दिखाई दे देगा, ये आप देख सकते हो। मैं जो है 200 रुपये वाला जो टिकट बुक किया हूँ उस पर मैं जो है यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता था, तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ जिससे मेरे को फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ऊपर वाला कर रहा हूँ, ऊपर का साइड वाला कर रहा हूँ, इससे क्या है मेरे को जो है जैसे ब्रेक लेना रहेगा, ठीक है, ब्रेक लेना रहेगा यानी बाहर जाना रहेगा, तो यहाँ पे साइड पे बैठा रहूँगा तो बड़े आसानी से यहाँ से इस तरीके से आके नीचे आके मैं जो है ब्रेक लेने के लिए चला जाऊँगा। अगर मैं इस साइड बैठा रहूँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है निकलने के लिए, तो यहाँ पर साइड वाला टिकट बुक कर रहा हूँ और साइड से जो है अच्छा मूवी देखने को मिलता है। ओके, तो मैं ये वाला करूँगा दोस्तों, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, ये वाला देखने से मूवी इधर लगेगा। तो ये दोनों टिकट मैं बुक कर दिया। अब यहाँ पर इस तरीके से हो गया है सेलेक्ट, सीट आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देखिए पे करने के लिए, तो 400 रुपये यहाँ पे करना है, 200 रुपये करके ये बताया जा रहा है, यहाँ पे प्रोसेस कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मेरे को जो है ईमेल आईडी पूछा जा रहा है और मोबाइल नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको मैं फिलअप करूँगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ईमेल आईडी यानी कि गूगल का @gmail.com वाला जो मेल आईडी होता है उसको लिख दिया हूँ, और नीचे में मेरा मोबाइल नंबर है उसको भी लिख दिया हूँ। तो दोस्तों डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप जो है सबमिट पे क्लिक करोगे आपको इस तरीके से बता दिया जाएगा, 400 रुपये टोटल फीस हो रहा था जिसपे आपको जो है इंटरनेट सर्विस यानी कि टैक्स देना पड़ रहा है 68 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपका जो टोटल बिल हो जाएगा वो जो है 468, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कुछ और चार्ज लगा है, तो आपका जो टोटल बिल है वो हो जाएगा 470 रुपये और 44 पैसे, ये आपको दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे आपको जो है पे क्लिक कर देना है, जैसे आप पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिससे आप पैसा पेमेंट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं आपको मोबीक्यूब से बता रहा हूँ, तो मोबीक्यूब से हम पैसा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे देगा मोबाइल वॉलेट का, जिससे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा मूवी क्यूब, ठीक है, आप देख सकते हो। इस पर हमको जो है कैशबैक मिल रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम जो है मूवी क्यूब से टिकट बुक कर रहे हैं, तो
इस पर हमको जो है 200 रुपये तक का जो है कैशबैक मिल जाएगा। कम से कम हमारा जो ट्रांजेक्शन वो जो है 300 रुपये होना चाहिए, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन वो जो है 470 रुपये है, यानी कि 300 रुपये से ज़्यादा का टिकट हम बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमको जो है 200 रुपये कैशबैक मिल सकता है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा और इस तरीके से आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं जो है प्रोसेड कर देता हूँ और प्रोसेड करने के बाद कुछ इस तरीके से लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो मूवी क्यूब जो बना हुआ है मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरा जो मूवी क्यूब का जो मोबाइल नंबर लिंक है, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से मैंने बनाया है मूवी क्यूब, उसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर टाइप कर दूँगा और सेंड OTP पे मैं क्लिक कर दूँगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे सेंड OTP क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है उससे OTP आ जाएगा, ठीक है। तो OTP आने के बाद हमको जो है चेक करके यहाँ पे OTP को डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं OTP को डाल देता हूँ देख देख के दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं OTP डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँगा, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ और इस तरीके से हमको जो है डिटेल दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अप्लाई कूपन करके देख लेते हैं कुछ अप्लाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं जो है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए दोस्तों, MBK200 करके जो कूपन कोड है वो लिख दिया हूँ मैं, जिसमें मेरे को जो है 200 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा बोला जा रहा है, ठीक है। अभी हमको जो है 470 रुपये ही पे करना है। जब हमारा जो टिकट बुक हो जाएगा और हम जो है मूवी वगैरह देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा काम, ठीक है, तो हमको जो है कैशबैक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको जो है बताया जा रहा है 200 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा करके। तो यहाँ पे मैं पैन आउट के बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जो मेरा मूवी क्यूब का जो वैलेट बैलेंस है 530, जो कि मैं आपको पहले ही बताया था, उसी से पैसा कटेगा 470 रुपये। तो यहाँ पे पैन आउट के बटन पे क्लिक कर दूंगा मैं और ये आप देख सकते हो, जैसे ही हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको जो है बैक वगैरह नहीं करना है। इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि आपने जो है मूवी टिकट बुक कर लिया है करके। तो इस तरीके से आपको जो है बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे अभी इसको मैं जो है इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो टिकट है वो बुक हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब हमको जो है यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है। अब जो दोस्तों, यहाँ पर इसका आप जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसका जो डिटेल वगैरह है, मूवी टिकट का जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, डिटेल वगैरह है, वो जो है आपको जो है SMS के थ्रू सेंड कर दिया गया है, जो मोबाइल नंबर आपने लिखा था, और WhatsApp में भी सेंड कर दिया गया है। साथ में आपने जो ईमेल ID Google का जो @gmail.com वो लिखा था, उस पर जो है मेल भी कर दिया गया है, ये वाला जो टिकट बुक हुआ है उसका, जिससे आपको जो है परेशानी मत हो, आप जो है कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सको करके। तो ये सब आपको जो है देख लेना दोस्तों। उसके बाद आपको जो है नीचे आ जाना है। तो दोस्तों, नीचे में आपको इस तरीके से बुकिंग ID दिखाई देगा। कभी कभी होता क्या है, आप जो है थिएटर हॉल पे जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आप जो है अपना बुकिंग ID बताइए, तो आपको इस तरीके से अपना बुकिंग ID बता देना है। और उसके बाद जो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, आपका जो थिएटर हॉल है उस पर जो इस तरीके से QR कोड को जो है बताने के लिए बोला जाता है, तो आपको जो QR कोड बता देना है, वो लोग जो है स्कैन कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपको जो अंदर जाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये सब होता है दोस्तों। तो यहाँ पास का आपको जो स्क्रीन शॉट भी जरूर ले लेना है, देन आपको जो नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको जो इस तरीके से पूरा डिटेल बता देगा, क्या क्या आपने बुकिंग किया है, कितना आपने जो टिकट बुक किया है, ठीक है, ये सब आपको दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जो प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट भी करा सकते हो। अगर आप जो प्रिंट नहीं कराओगे तो भी आपका काम बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो है SMS के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा, साथ में आपको जो है मेल भी किया जाएगा। मैं आपको जो है मेल बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। Gmail का जो बॉक्स होता है ना, ऐप होता है, उसको इस तरीके से मैं ओपन कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लूँगा। जैसे ही रिफ्रेश कर लूँगा, यहाँ पर मेरे को बता दिया जाएगा बुक माई शो करके, मैंने जो है मूवी टिकट बुक किया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस तरीके से पूरा डिटेल बता दिया जाएगा दोस्तों, क्या है कैसे करके, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप दिखा सकते हो, जब आप जो है थिएटर हॉल जाओगे तो इसको आप दिखा देना, उसके बाद आपको जो है अंदर जाने के लिए दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज भी दे देता हूँ। अगर आप जो है मूवी टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, तो आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 68 रुपये के समथिंग हमको लगा था टैक्स करके। तो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, आप जब भी जो है वहाँ जाओगे मूवी टिकट हॉल पर,
तो आप जो है अगर वहाँ पे लेट हो जाते हो जाने के लिए तो भी आपको जो है अंदर जाने के लिए दे दिया जाएगा, अगर आप जो है ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं कि आपको जो है मना कर दिया जाएगा आप लेट हो गए हो आप मत जाओ करके, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर लेट भी जाते हो, अगर एक मिनट भी आपको जो है बचा रहता है मूवी देखने के लिए तो भी आपको जो है अंदर जाने के लिए दे दिया जाता है, अगर आप जो है ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो ये फायदा है दोस्तों। लेकिन आपको जो है दोस्तों मूवी को मिस नहीं करना है, आपको जो है 10 मिनट पहले चले जाना है जिससे आप जो है मूवी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और अच्छे से मनोरंजन कर सको, यानी कि एंटरटेनमेंट कर सको। तो ये आपको जो है कर लेना है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमको जो है कैशबैक मिला है कि नहीं मूवी क्यूब से। तो चलिए दोस्तों उसके लिए हम जो है मूवी क्यूब का जो ऐप है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं जो है अपने मोबाइल पे जो है मूवी क्यूब का जो ऐप है उसको ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे हमारा जो बैलेंस था वो कट चुका है आप देख सकते हो, और अभी जो बचा हुआ है वो जो है 84 रुपीज मेरा बचा हुआ है, यानी कि 84 रुपए और 51 पैसे तो ये बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर मैं जो है ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दूंगा, यानी कि हिस्ट्री पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से डिटेल दिखा देगा। ये आप देख सकते हो आपने जो है पैड किया है बुक माई शो को 470 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कैशबैक वो जो है 24 रुपये इस तरीके से आ गया है। हो सकता है दोस्तों आपके में जो है ज़्यादा कैशबैक आ जाए, ये आपको चेक कर लेना है। या हो सकता है दोस्तों आप जब मूवी देख लोगे कम्प्लीट तब यहाँ पर आपको जो है कैशबैक आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको इस तरीके से ओके क्लिक करने के लिए यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। बाकी हमको जो है 24 रुपये जो है कैशबैक के रूप में यहाँ पे दे दिया गया है, क्रेडिट हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है, कैशबैक क्रेडिटेड प्लस 24 रुपये, तो ये हमको मिला है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है मूवी क्यूब से टिकट बुक कर सकते हो घर बैठे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में को जरूर बताना, और नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, इससे क्या होगा आपको इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपके मोबाइल पे। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।